आज हम बनाते हैं देसी रेसिपी उल्टा। उसके लिए लिए हैं हम आधा किलो चना का दाल, 15-20 लहसुन, हींग, 20-25 लाल मिर्चा, 10 ग्राम अदरक और ये नमक स्वाद अनुसार, और ये चावल का आटा। अब इसको हम बनाने जा रहे हैं। पहले हम ये चना की दाल और ये लहसुन, मिर्चा, हींग आदि, नमक, सारे सामान को हम दरदरा पीस लेंगे। अब इसमें हम मिला रहे आधा चम्मच हल्दी और ये धनिया। ये उबला हुआ पानी लिए हैं। अब इसको हम आटा में धीरे धीरे मिलाएंगे। पानी हिसाब से ही मिलाना है ताकि ये गीला ना हो। देखिए आटा ये मेरा मिल चुका है। अब इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। आटा ठंडा हो चुका है, हमने इसको गूंथ लिया है। देखिए अब इसका हम नरम मुलायम लोई बनाएंगे और इसको ऐसे गोल शेप दे दिया और इसमें फिर हम दाल डालेंगे और इसको इसी तरह से हम सारे उल्टा को तैयार कर लेंगे। इसमें हम लगा लिए थोड़ा सा रिफाइन ताकि ये चिपके ना। इस तरीके से सारे उल्टे को हम ऐसे ही सरिया देंगे। हम रखेंगे ये जो हम उल्टा बना रहे हैं। इसको अब हम ढक दे रहे हैं और 15 से 20 मिनट के लिए ये स्टीम होगा। हो चुके हैं, देखिए हमारे दाल का कलर चेंज हो चुका है। अब इसको हम ऐसे चक्कू लगा के भी चेक कर सकते हैं। बन के तैयार है, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसे आप जरूर बनाएं। आप इसे सब्जी, चटनी या ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।